क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बिहार में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर का काफिला जा रहा था, तभी अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाजीपुर के भगवानपुर के रत्नापुर गांव के पास ये हादसा हुआ है। ये हादसा पटना से मुजफ्फरपुर थाने के दौरान हुआ है। इस पूरे हादसे में दमकल की गाड़ी पलट गई और इस हादसे में कुल 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बता दें कि राज्यपाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। सुपौल जिले में अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है। जिले में अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एकदम फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में कई लोग घायल हो गए। गोली चलने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। घायल युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामनवमी के दौरान कुछ अनबन हुई थी, जिसके कारण ये फायरिंग की गई है। वहीं पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के इस रवैये से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। तो अभी खतरे से बाहर है, अभी स्टेबल था। एक है अजय कुमार चौधरी, इनको दाएं काफ रीजन में इनको इंजर्ड हुआ है। इस पे 1 गोली का निशान है, एंट्री और एग्जिट दोनों। दूसरा छोटेलाल यादव है, इसके शरीर पे 7 जगह गोली का निशान है। ये पेशेंट भी स्टेबल है, इसको इन दोनों को डीएमसी दरभंगा रेफर किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना को लेकर अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर पहुंचे। वहीं मीडिया से जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि जातीय जनगणना बिहार ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों में भी कराने को लेकर तैयारियां चल रही हैं। इस मौके पर स्थानीय जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा सीएम को पीएम बनाने को लेकर नारेबाजी करने लगे। तभी नीतीश कुमार ने नारेबाजी कर रहे लोगों से मना किया। साथ ही कई अन्य दल को एकजुटता पर विपक्षी दलों में चिंता सताने की बात कही। उनके परिवार में कहाँ रहते हैं, एक एक चीज के बारे में। कोई मान लीजिए कि यहाँ का है, यहाँ नहीं है। और दूसरी चीज है कि ये भी हम लोग चाहते हैं चलेगा आर्थिक स्थिति, हर परिवार की आर्थिक स्थिति का किसी भी जाति का अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, एससी हो, एसटी हो, कोई हम सबके आर्थिक स्थिति का भी जानना, तो ये सब जरूरी हम लोगों ने किया है। तो सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो आगे और राज्य के विकास के लिए काम करना। तो एक तो संख्या मिल जाएगी और दूसरी बात है कि उच्च जाति नहीं बोलना है, जाति आधारित करना है, वो सब कुछ करा दिया गया है।
भागलपुर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस आग में 35 घर जो है जलकर राख हो गए हैं। सूचना दमकल विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंचे विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक 35 घर जलकर राख हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। आगजनी मेंदों में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। भागलपुर में बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वेरिएंट H5N1 मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इन्फ्लुएंजा वायरस फैलने से प्रशासनिक स्तर पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। वहीं बरारी स्थित क्षेत्रीय कुकटुक परिक्षेत्र को केंद्र मानकर 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित कई पॉलिसी फॉर्म के मुर्गे मुर्गियां बत्तख कई पक्षियों को जब्त किया जा रहा है और उन्हें मारकर गाड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। बताते चले कि क्षेत्रीय कुकटुक परिक्षेत्र 10,000 चूजों को मार गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा लोगों से मुर्गा नहीं खाने की अपील की गई है। वहीं मनाही के बाद भी लोग चिकन अंडे खाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मछली के बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ती दिखी है। हमारा सेंटर जो है बर्ड फ्लू का, वो हमारा सरकारी चौपाटी फार्म बराड़ी में वो सेंटर है हमारा। उसके 1 किलोमीटर की परिधि में जो 3 वार्ड है हमारे 28, 27, 28 और 29, उस 1 किलोमीटर की परिधि में जितने भी पोल्ट्री बर्ड है, कल हम लोगों ने उसका सर्वे किया और आज उसके कलिंग का काम कर रहे हैं। तो सारे पोल्ट्री बर्ड जो भी हमको मिल रहे हैं, पोल्ट्री बर्ड्स और अंडा, उनको कलेक्शन करके हमारा डिस्पोजल यार्ड वार्ड बना हुआ है, वहाँ पिट बना हुआ है। उस डिस्पोजल पिट में जो साइंटिफिक तरीका है, उस तरीके से हम लोग उसको डिस्पोज करेंगे और जिनका भी बर्ड का किलिंग हुआ है उनको बाद में सरकारी मुआवजा जो है वो मिलेगा। अभी तक किलिंग किया जा चुका है सर? 11,000 चूजा बोले। पोल्ट्री फार्म में हमारा 11,000 चूजा का किलिंग हुआ है और 5,000 पोल्ट्री बर्ड का किलिंग हुआ है। और यहाँ तो अभी हम लोग रिपोर्ट कंपाइल नहीं किए हैं वार्ड्स का, तो अभी जा रहे हैं तो चार के जिला पदाधिकारी के चिट्ठी के अनुसार, पत्र के अनुसार 27, 28, 29 जहाँ पर बरारी केंद्रीय हैचरी में बीमारी आया है, वहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में उसको हमको घेराबंदी करके वहाँ का मुर्गी को पकड़ के क्लीन करना। कितना जगह किए हैं अभी? अभी हम लोग 27 कर चुके हैं, 28 में कर रहे हैं। विरोध भी लोग कर रहे हैं? हाँ, विरोध तो भयंकर कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम आप उनको मुर्गी पालक को कह रहे हैं कि अगर आदमी में फैल जाएगा ये बीमारी तो मुर्गी पालने वाला कहाँ रहेगा। इसीलिए पहले मुर्गी को समाप्त कर दीजिए, बीमारी समाप्त हो जाएगा, फिर पुनः 4 महीना 5 बाद आप। मोतिहारी में जहरीली शराब ने 14 लोगों की जान ले ली है और वही जहरीली शराब को लेकर डीएम और एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। बताते चले कि उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ।
बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। भीषण गर्मी में सरकार ने पानी की टंकी लगवाई ताकि लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत ना हो और कोई भी प्यासा ना रहे, और इसके बावजूद पानी की टंकी में पानी की जगह ताला लटका मिला है। बताते चले कि टंकी सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन अब तक कार्यालयों में बैठने वाले पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि की इस पर नजर नहीं पड़ी है। आपको बता दें कि अब BDO डॉक्टर विमल कुमार ने संबंधित विभाग से कहा जल्द टंकी को चालू कराया जाएगा। मुझे ना लगा उसके बाद से एकाध दो महीना चालू होकर के रह गया। बार बार जब जो नेता लोग आते हैं तो चालू कर देते हैं तो सब तरफ पानी भर जाता है। तो आप लोग तो पर यहां ही स्थानीय हैं? जी हाँ। फिर पानी उनी प्यास वास लगता है? नहीं, इससे नहीं, अपना कल से काम चलाते हैं, इससे कोई सुविधा नहीं है। कितना दिन से बंद होगा लगभग? मुझे 5-6 साल से तो गरायला हो गया, तो यहाँ से तो वैसी है। अच्छा, ब्लॉक वाला बंद है तो और जगह क्या स्थिति होगा? और जगह तो सही है, लेकिन ये साफ गड़बड़ है। ये पूरी पूरा बंद है? हाँ, पूरे गड़बड़ है। क्या नाम हुआ आपका? उमेश ठाकुर। कहाँ घर हुआ? गायघाट। हाँ, इसके लिए पोए में भी लिखा गया है यहाँ से, और अभी फिर अधीक्षक अभियंता PHED से बात करते हैं और लेटर भी देते हैं उसको, जल्द गर्मी की स्थिति देखते हुए उसको जल्द से जल्द चालू करवा। हाँ, व्यवस्था की जाती है, ये ऑफिस में जो है रखा जाता है पानी। नालंदा में सड़क बनवाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनने को निर्देश दिया गया था। बता दें कि ठेकेदार ने कार्य की शुरुआत तो कर दी, लेकिन काम को बीच में अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क निर्माण कार्य 2020 से लेकर 2021 तक पूरा कराना था, लेकिन सड़क कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने बरसात के दिनों में काफी समस्या उत्पन्न होती है ये बताया है। रास्ता नहीं रहने के कारण करीब सैकड़ों घरों की परेशानी झेलनी पड़ रही है। समस्या तो यही है कि नीतीश कुमार आए थे उस समय में रोड के पास हुआ तो मट्टी जहाँ तहाँ जमीनी पड़ा ताकि चल गई, उसके बाद से कोई मतलब नहीं है। नहीं पोल कबरा, पोल के भी दरखास्त दिया, नहीं पोल कबरा, नहीं पुल बना, नहीं रोड बना। हम लोग वैसे ही मर रहे हैं। तो ये गांव के मेन निकास है जी? हाँ, हम लोग तो मेन निकास है। ये कौन गांव है? मुर्गिया तक पोला जगह पर। तो की मांग है आखिर? मांग तो इतनी है सर, हम लोग के निकास चाहिए रोड का ही। ये रोड के कितना दिन से समस्या हो रही है सर? 2020 से कई समस्या है रोड का, और अगले बार अगले महीने में नीतीश कुमार आए थे उस समय ठेकेदार आकर के कुछ काम किए हैं, उसके बाद यहाँ ठेकेदार बोल दिया कि पोल का समस्या है, पोल कबड़वाइए तब हम काम करेंगे, ठेकेदार छोड़ के भाग गया। तो पोल कबड़ गया है? नहीं, पोल नहीं कबड़ा है। तो ये कौन गाँव है? ये मुर्गिया चौक टोला जगह पर, हजन टोला है। कई घर प्रभावित है? यहाँ 200 घर है। तो बरसात में तो और दिक्कत? बरसात में बहुत दिक्कत है, पढ़ने लिखने बच्चे के सारे के दिक्कत है। तो ये ठेकेदार जो टेंडर लिया था वो क्या कहता है, उनसे बात हुआ है? हाँ, उनसे बात हुआ, वो करा पहले पोल कबड़वाइए, आप लोग आइए, ठेकेदार का काम है पोल कबड़वाना। ये कई किलोमीटर है रास्ता? ये एक से डेढ़ किलोमीटर है सर रास्ता। ये तो मेन निकास यही है? हाँ, हम लोग का मेन निकास यही है। तो क्या आखिर मांग क्या है सरकार से? सरकार से मांग यही है कि हम लोग के रोड बनाया जाए, गरीब लोग हम लोग पानी में बुरी तरह रहते हैं सर। नवादा में नफरती विचारधारा का अंत हो गया। विरासत के महासंगम में अमीर गरीब ऊंच नीच हिंदू मुस्लिम की समस्त दुर्भावनाएं धाराशायी हो गई। रमजान के मौके पर आयोजित दावत ए इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें राजद विधायक विवाद देवी ने इफ्तार पार्टी रखी। इस पार्टी में भारतीय तहजीब यथार्थ दर्शन हुआ। बता दें कि हजारों हाथ नमाज के लिए एक साथ उठे और देश दुनिया की सलामती के लिए सामूहिक दुआ की गई। इसके बाद इफ्तार के दस्तरखान पर व्यंजनों के पारंपरिक लुत्फ उठाया गया। पार्टी भाईचारा में हम लोग हमेशा मंत्री जी अपना घर आवास पर हम मनाते थे, लेकिन दोस्त पास से जिला परिषद के आवास पर उनके आदेश के बहुत बाबू है मंत्री जी द्वारा आज जिला परिषद आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। सब महागठबंधन के सारे लोगों को नेता दिया गया था, बुलाया गया था, यहाँ पे आई हूँ मैं।
इफ्तार पार्टी आए नहीं, जो दिया जाता है आपसी सुहाग भाईचारा और भाव प्रेम के लिए ये इफ्तार पार्टी दिया जाता है। इफ्तार पार्टी का आयोजन जिला प्रशासन आवास में किया गया है, जिससे और सब हुआ और करते हैं पूरे नवादा संसदीय क्षेत्र में इसी तरह से भाईचारा और प्रेम बना रहे और हरेक लोग हरेक धर्म का सम्मान करने का काम किया है। सहरसा में 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि 301 महिलाओं ने अपने सिर पर कलश यात्रा निकाली। कड़ाके बता दें कि 9 दिवसीय श्री श्री 108 विष्णु महायज्ञ का आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लेकर कलश स्थापित किया। उसका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु सभी धर्मों का कल्याण सहित सभी तरह के समस्याओं से दूर रखे। इस मौके पर वीर गांव के मुखिया प्रतिनिधि जीशु सिंह सहित विश्वनाथ राय भी मौजूद रहे। श्री श्री 108 महा विश्व कल्याण महा विष्णु यज्ञ है, ये पूरे विश्व कल्याण के हेतु ये यज्ञ करवाया जा रहा है और ये आज आरंभ हुआ है और 26 तारीख तक चलेगा। सर कितने महिलाओं की जत्था जो है अपने सिर पे कलश लेकर के चली? ये पूरे 301 महिला थे सर। कहाँ तक जो है? ये चतरिया ग्राम से स्टार्ट करके रघुनाथपुर रमखतरिया होते हुए तरी होते हुए फिर से यहाँ जगह स्थल पाया सर। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर नगर परिषद में शांति समिति की बैठक की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपी उनंत प्रसाद समेत कई ने एसडीपीओ नंद को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया और इसके साथ ही ईद मुबारक को लेकर रामनगर थाना परिषद में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। आयोजन हुआ बैठक हुई, उसमें सभी शांति समिति के अध्यक्ष एवं मेंबर सभी लोग इसके रामनगर के सभी प्रदेश नागरिकगण इकट्ठा होकर के एक हम लोगों ने आने वाला जो ईद का पर्व है इसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे और शांति को गाइडलाइन क्या क्या गाइडलाइन सभी के लिए ये है कि लैंड ऑर्डर जो होता है वो मेंटेन रखेंगे, किसी तरह का कोई। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ।